हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम जो भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले, आई होप सो इसका क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में स्टार्टिंग से ही आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले अब तक हमने डिस्कस किया कि फिफ्थ सेमेस्टर में क्या कुछ नया बिग चेंज हुआ है उसको लेकर के भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई नहीं देखी है तो जाकर के चेकआउट ज़रूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको आप देखोगे ना तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में क्या कुछ नया चेंज फिफ्थ सेमेस्टर में आया है। लेकिन हम जो फिफ्थ सेमेस्टर में चेंज है उसको समझने के बाद में, और क्लासेस जो मैंने अब स्टार्ट कर दिए नहीं पता है तो भाई मैं आपको बता दूँ, फिफ्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। नहीं देखी है तो जाकर के चेकआउट कर लो। अभी अभी एक न्यू प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है फिफ्थ सेमेस्टर, उसी में आपको सिलेबस मिलेगा, उसी में आपको जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट देखी दो पेपर है वो मैंने सब कुछ उसमें बताया हुआ है, ठीक है, तो अपना देख लेना। बच्चों को नहीं पता है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है उनको नहीं पता है तो जाकर के उनको शेयर ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है, और लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत कुछ चेंज हुआ है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि भाई हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि चेंज भी हो चुका है, क्लास भी स्टार्ट हुई, लेकिन अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में सबसे ज़्यादा यही आ रहा है कि इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। लगातार मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, बच्चे जो हैं स्टूडेंट जो है वो मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर रहे हैं कि मैम इस बार का जो पेपर पैटर्न है फिफ्थ में वो सब्जेक्टिव हो गया कि ऑब्जेक्टिव हो गया। अब मैं इसका अगर आपको आंसर दूँ तो मेरा आंसर यही होगा कि अभी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया है कि इस बार का जो पेपर पैटर्न होगा वो किस बेस पर होगा, लेकिन जितना थोड़ा सा आइडिया लगाया जा रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली यही होगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव बेस पर, यानी कि जो MCQs बेस पर आपने फोर सेमेस्टर में अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम दिए हैं उस पैटर्न पे तो शायद नहीं होगा, आपका फिफ्थ सेमेस्टर प्रॉपर रूप से डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, तो यानी कि आपका लिखने वाला पेपर होगा। नॉर्मली अगर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा भी कन्फ्यूज है सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में, लिखने वाला पेपर आपका फिफ्थ सेमेस्टर में हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी का जो ग्राफ है वो कितना ज़्यादा मतलब ट्रू में है, इसका तो आपको तभी पता लगेगा जब एग्ज़ाम के जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है जब वो फिल होंगे, जब उनका नोटिफिकेशन आएगा तभी यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है कि वो उसको पेपर पैटर्न किस तरीके से रखना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो अभी आप अपना मस्त जो क्लासेस है वो अटेंड करो, जो भी क्वेश्चन है टॉपिक से जुड़े हुए वो क्वेश्चन पूछो, सिलेबस देखो सिलेबस आपका क्या है, क्या कुछ आपको स्किप करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको स्किप करना है उसको लेकर के भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप SSC वगैरह की तैयारी करें, UPSC की तैयारी करें तो आपको आपके लिए कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट है जिसको आप स्किप कर सकते हो, बाकी के दो सब्जेक्ट आप रख सकते हो, तो उनको भी जा करके थोड़ा सा इसको अपना सॉल्यूशन इसका निकालो। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं तो कुछ टाइम पहले ही देखो सब कुछ पता लग ही जाता है, और अपडेट के लिए मैं कह रही हूँ ना सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी से कोई भी अपडेट हमारे पास आती है हम आपको नोटिफाई कर देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो भी हम क्लास ले रहे हैं उसकी जो नोट्स है वो वहीं पर प्रोवाइड हम करा देते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप जैसे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं तो आप हमें DM करके हमसे कुछ भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और सीधे कनेक्ट होने के लिए चैनल के साथ हमेशा बने रहना, तो जैसे भी अपडेट आता है नोटिफिकेशन जो भी आता है आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।